एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मैं ये देखना चाहता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टर आर लगाया और मैंने नीचे बैटरी नहीं लगाई, मैंने ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, ई की वैल्यू चेंज हो रही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये रही। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें करंट इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, वो करंट कैसे चेंज होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अगर मैंने वोल्टेज अप्लाई की ई नॉट साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है, बस सिंपल है। तो मैंने आपको बताया स्टार्ट ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट कैसे निकलता है, अगर ये ई आर एम एस है तो आई आर एम एस है, ई नॉट है तो आई नॉट है, और अगर ई इंस्टेंटेनियस है तो आई भी इंस्टेंटेनियस है। तो आप ई की जगह क्या पुट करेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस, और ई नॉट बाई आर को क्या पुट करेंगे, आई नॉट, बताया था ई नॉट है तो आई नॉट है, तो ये करंट की वैल्यू आ गई। तो अगर मैंने नीचे वोल्टेज क्या अप्लाई की, ऑल्टरनेटिंग ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू रजिस्टर में जो बनेगी वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी, ये मैंने आपको बताया, ये पहला रिजल्ट है। एस एच एम अगर याद हो या वेव याद हो, साइन के आगे जो एंगल है उसको एंगल नहीं बोलते, उसको फेज बोलते हैं। तो जो किसी भी इंस्टेंट पर फेज ई एम एफ का है, वही फेज करंट का भी है, तो इसलिए ये बोला जाता है करंट एंड ई एम एफ आर इन सेम फेज, फेज दोनों का हर इंस्टेंट पर सेम है। अगर ये पाई बाय टू तो ये भी पाई बाय टू, ये पाई बाय थ्री, ये पाई बाय थ्री, ठीक यहाँ तक। अब क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि ई एम एफ एक पीरियोडिक मोशन है, वापस एस एच एम में जा रहा हूँ दो मिनट के लिए, फिर से कुछ टाइम के, देखो अपने मतलब का एस एच एम यूज़ कर लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। तो अगर मैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की बात करूँ, ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एस एच एम की इक्वेशन है। और कोई भी चीज़ अगर पीरियोडिक मोशन में मूव करती है तो एस एच एम क्या कहता है, उसको कंपेयर किया जा सकता है विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम हमेशा पीरियोडिक मोशन को किससे कंपेयर करते हैं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे सपोज करो ये ई एम एफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी का मतलब कि ई एम एफ की वैल्यू चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, ऐसे चेंज हो रही है, ये देखो ये ई एम एफ है और टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, जैसे ये ज़ीरो है, ये मान लो 90 डिग्री है, ये मान लो पाई है, ये मान लो 270 डिग्री है, मान लो ये 360 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल्स के साथ ये चेंज हो गया। अगर और ई एम एफ की वैल्यू क्या हो रही है, पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर मैक्सिमम एंड सो ऑन, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। आप इसको कंपेयर करें विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इमेजिन करें एक वेक्टर घूम रहा है, मान लो ये ई एम एफ का वेक्टर है, यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ई एम एफ की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। थोड़ा सा टाइम आगे जाएंगे ई एम एफ बढ़ेगी 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 और 90 डिग्री पे क्या हो गई, मैक्सिमम, देख रहे हो 90 डिग्री पे मैक्सिमम। फिर उसके बाद घटेगी 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 और पाए 180 डिग्री पे क्या हो गई, ज़ीरो। 180 डिग्री पे क्या हो गई, ई एम एफ ज़ीरो। फिर उल्टी बढ़ेगी 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 मैक्सिमम और फिर उल्टी करते करते ज़ीरो, देख रहे हो, वही सेम चीज़ है जो हम एस एच एम में करते थे, सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो मैं अपने मन में ईजी बनाने के लिए ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ कि मेरी जो ई एम एफ है वो पीरियोडिक है, और पीरियोडिक में अगर एक वेक्टर घूम रहा है ई एम एफ का और मैक्सिमम वैल्यू इसकी ई नॉट है, तो ई एम एफ का सर्कुलर मोशन में स्टैंडर्ड एंगल क्या लिया जाता है, ओमेगा टी, ओमेगा टी। और ये रेडियस का मतलब क्या होता था, ई नॉट, और ये किसी भी इंस्टेंट पे ई एम एफ क्या है, ई, ई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस ट्राइंगल में साइन ओमेगा टी चेक करो क्या आ रहा है, ई डिवाइडेड बाई ई नॉट, तो ई की इक्वेशन सेम वही बन गई जो एस एच एम की इक्वेशन होती थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर रेडियस से ऊपर तो लेंथ हो नहीं सकती, इसलिए रेडियस को मैंने ई नॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। मेरे कहने का मतलब कि मैं ऐसा चाहूँ तो कर सकता हूँ, हालांकि मैं एस एच एम खोलने वाला हूँ नहीं, ये बात पक्की है, सिर्फ समझाने के लिए, कोई नहीं किताब खुलेगी, टेंशन मत लो, कोई एस एच एम नहीं खुलने वाला, सिर्फ बता रहा हूँ कि ई एम एफ को मैं वेक्टर फॉर्म में इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि एक पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन में मैं एक वेक्टर ई एम एफ के वेक्टर को घुमाता जा रहा हूँ 0 से 2 पाई के बीच में।
आप इसी बात को ऐसे समझ सकते हैं, आप इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ईएमएफ और करंट आर इन सेम फेज, आपको पेपर में ना फेजर डायग्राम बनाने पड़ेंगे, फेजर डायग्राम जो फेज बताते हैं। ये देखो ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ब्लैक कलर का डायग्राम देखो, ये ब्लैक वाला डार्क वाला, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन वेव के साथ मैच करवाना है। और करंट की इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो भी साइन वेव के साथ मैच करवाना है। तो चेक कर रहे हो डॉटेड लाइन करंट शो कर रहा है, और जिस टाइम पे ईएमएफ का एंगल जीरो है करंट का भी जीरो है, जहां पर 90 ईएमएफ का वहां करंट भी 90 है, जहां 180 वहां 180 है, और जहां 360 है। इसे बोलते हैं दे आर इन सेम फेज। हाँ, इनकी वैल्यू डिफर कर सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू इसलिए डिफर कर सकती है क्योंकि ईएमएफ जो होती है, जो ईएमएफ होती है वो क्या होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ईएमएफ है। तो ईएमएफ करंट से बड़ी आ सकती है, इसलिए बड़ी कर दी और ये छोटी कर दी। पर यहां पर बड़ी छोटी का चक्कर नहीं, तुम जैसे मर्जी बना लो, बात फेज की है, तुमने ये नहीं मैचिंग, ये मैच होना चाहिए, बाकी सब सही है, बड़ा छोटा कोई चक्कर नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो अगर कोई कहेगा कि सब फेज ड्रॉ करके दिखाओ, तो फेज ड्रॉ कर देंगे। फिर वो कहेगा कि जी सर्कुलर मोशन में कंपेयर करके दिखाओ। ये देखो, ये एक वेक्टर ले लेना ईएमएफ का वेक्टर, इस ईएमएफ के वेक्टर को इमेजिन करो, ये किसमें घूम रहा है ना, सर्कल। और ऐसी करंट का वेक्टर ले लेना आई नॉट, ये भी किसमें घूम रहा है ना, सर्कल। दोनों के सर्कल का रेडियस डिफर कर सकता है क्योंकि ईएमएफ और करंट की वैल्यू डिफर कर सकती है। पर मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कल में घुमा रहा हूँ वेक्टर को। आप इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बनाएं, आप सिंपल ये बना लें कि मान लें ये टाइम है, ये मान लें एक्सिस ईएमएफ का या करंट का एक्सिस है। आप इमेजिन करें ईएमएफ के वेक्टर ने किसी भी इंस्टेंट पर एंगल क्या बनाया, ओमेगा टी। आप यहीं पे करंट भी शो कर रहे हैं, करंट ने भी सेम इंस्टेंट पर एंगल क्या बनाना है, ओमेगा टी। बस ये डायग्राम है, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है और मैच करवाने की जरूरत भी नहीं है दोनों को। आप सिंपल एक दो वेक्टर बनाएं, एक ईएमएफ का और एक करंट का, दैट्स इट। और ये शो करें कि दोनों का एंगल हर इंस्टेंट पर क्या है, सेम है, ओमेगा टी। हम बोलते हैं इसको देखते हुए ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेस, ये सेम फेस में है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये सेम फेस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। सेम फेस को यहाँ से ऐसे दिखाया, सर्कुलर मोशन में वेक्टर से ऐसे दिखाया, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। तुम ऐसे शो कर दो या ऐसे शो कर दो, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है। तो ओनली रजिस्टर के अंदर, जब एसी में ओनली रजिस्टर लगा होगा, करंट एंड वोल्टेज आ रही सेम फेज, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो पूछेगा ओनली रजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो। क्योंकि फेज एक का ओमेगा टी, दूसरे का भी ओमेगा टी, तो डिफरेंस क्या है, दोनों का एंगल का किसी भी इंस्टेंट पर जीरो, फेज डिफरेंस जीरो है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ये इसका पहला रिजल्ट है।